इस वीडियो में हम लोग जानेंगे आर्टिकल 16 के बारे में। हम लोग जानेंगे आर्टिकल 16 क्या है, क्या होता है उसका मतलब, और जो गवर्नमेंट है या स्टेट गवर्नमेंट है, जो राज्य की सरकार है या जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, केंद्र सरकार है, वो कैसे रिजर्वेशन देता है। ठीक है, तो ये आर्टिकल बोलता है कि जो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट होगा, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट रोजगार जारी करता है, उसमें हर आदमी के लिए इक्वालिटी होना चाहिए, समानता होना चाहिए कि वो रोजगार ले सके। मान लेते हैं कि गवर्नमेंट सिविल सर्विस का एग्ज़ाम निकाला, ठीक है, जब वो सिविल सर्विस का एग्ज़ाम निकाला तो उसमें गवर्नमेंट ये नहीं बोल सकता है कि आप अगर काले हो तो आप एग्ज़ाम में नहीं बैठ सकते हो, आप एग्ज़ाम नहीं निकाल सकते हो, आप अगर सिख हो या ईसाई हो या मुस्लिम हो या हिंदू हो तो आप इस गवर्नमेंट के एग्ज़ाम में नहीं बैठ सकते, ऐसा गवर्नमेंट नहीं बोल सकता है। गवर्नमेंट जो है वो हर आदमी को अपॉर्चुनिटी जो है, मौका मिलना का मौका जो देगी उस नौकरी को लेने के लिए, वो बराबर दे सकती है। ठीक है, तो इसमें बोला जाता है कि हर आदमी को, जो भी भारत का सिटीजन है, भारत का नागरिक है, उसको नौकरी लेने का, जो गवर्नमेंट नौकरी निकालती है वो लेने का इक्वालिटी है, मतलब समानता होना चाहिए, अपॉर्चुनिटी होना चाहिए, समानता होना चाहिए कि वो उस नौकरी को निकाल सके। ठीक है, उसके बाद इसमें बोलता है कि कोई भी नागरिक, जो भारत का नागरिक है, कोई भी ऐसा नागरिक को गवर्नमेंट ये नहीं बोल सकता है, जो गवर्नमेंट नौकरी निकालती है उसके अंडर ये नहीं बोल सकता है कि आप किसी भी धर्म के हो इसलिए आप ये एग्ज़ाम नहीं निकाल सकते हो, या किसी भी रेस के हो, मतलब आप आर्यन हो या फिर आप यूरोपियन हो, और कोई मान लेते हैं अगर यूरोपियन आदमी भी इंडियन सिटीजन है तो उसको भी सेम वही चीज़ मिलेगा जो एक यहाँ के रहने वाले इंडियन सिटीजन को मिलता है। ठीक है, उसके बाद गवर्नमेंट ये नहीं बोल सकती है कि आप शूद्र हो या फिर आप ब्राह्मण हो तो आप नहीं इस जॉब में बैठ सकते हो या इस जॉब को आप फ्री फंड में ले लो, ऐसा नहीं कर सकती है। ठीक है, कोई भी सेक्स का हो या मेल हो या फीमेल हो, कोई मतलब नहीं है, उसका डिसेंट अगर पाकिस्तानी आके हिंदुस्तान में बस के हिंदुस्तान का नागरिकता ले लिया तो उसको भी सेम दर्जा मिलेगा जो हिंदुस्तानी नागरिक को मिलता है। ठीक है, प्लेस ऑफ बर्थ ये मायने नहीं रखता है कि वो कहाँ पर पैदा हुआ, ठीक है, रेसिडेंस ऑफ एनी ऑफ देम, वो कहाँ पर रहता है, भारत के क्षेत्र में कहीं पर भी रहता है तो वो भारत का नागरिक है। अगर इस हिसाब से वो भारत का नागरिक बना तो उसको गवर्नमेंट जो नौकरी देगी, जो नौकरी निकालेगी गवर्नमेंट, उसमें उसका इक्वालिटी होगा, उसमें उसकी समानता होगी कि वो भी वो नौकरी ले सके। तो ऐसे लोगों को गवर्नमेंट मना नहीं कर सकती है, कम से कम इस ग्राउंड पे, मतलब उन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए गवर्नमेंट मना नहीं कर सकती है। लेकिन अब बात आता है कि ऐसा कैसे होता है कि बहुत जगह, मतलब जैसे आपका महाराष्ट्र में बोल रहा है मराठवाड़ा को आरक्षण दो, आपका झारखंड में संथाली लोग को या फिर जो शेड्यूल ट्राइब्स है उसको बहुत सारा आरक्षण मिला है, तो इस आर्टिकल में तो बोला गया कि सबको समानता मिलना चाहिए, लेकिन इस आर्टिकल में ये भी लिखा है कि ये आर्टिकल में पार्लियामेंट जो, मतलब सांसद जो है, वो अगर चाहे तो ऐसा लॉ बना सकता है जिसके अनुसार पार्लियामेंट या सांसद को लगे कि एक ख़ास तबका जो है वो हमारा पब्लिक एम्प्लॉयमेंट जो हम दे रहे हैं, सरकार जो नौकरी दे रही है उसमें वो तबका पीछे रह गया है, तो ऐसे तबके को ऊपर उठाने के लिए गवर्नमेंट या फिर पार्लियामेंट सांसद जो है वो ऐसा कानून बना सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब जो गवर्नमेंट वो कौन है, तो आपका केंद्र सरकार या फिर राज्य सरकार, वो अगर चाहे तो किसी खास तबके को ऊपर उठाने के लिए, उसको मिनिस्ट्री में लाने के लिए, उसको पब्लिक एम्प्लॉयमेंट देने के लिए ऐसा कानून बना सकता है जिसके अनुसार उसको रिजर्वेशन एक तरह से मिल सके कि वो अच्छे से उस नौकरी को आसानी से पा सके। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि अगर कोई एक ब्राह्मण है और कोई शूद्र है, मान लेते हैं ब्राह्मण 500 आदमी यहाँ पे काम कर रहा है सिविल सर्विस में और शूद्र का मात्र 2 आदमी है, तो ये तो प्रोपोर्शन सही नहीं बना। ठीक है ना, तो ऐसे में गवर्नमेंट जो है अगर चाहे तो कोई कानून बना सकती है जिससे शूद्र लोगों को थोड़ा सा आसानी हो वो जॉब लेने में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो मना कर सकती है ब्राह्मण लोग को कि आप ब्राह्मण लोग आइए आप लोग जॉब नहीं ले सकते, ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, बस वो शूद्र को थोड़ा सा आसानी कर सकता है या उसके लिए कुछ सीट रिजर्व कर सकता है। ठीक है, अब इस आर्टिकल में ये भी बोला गया है कि कोई भी बैकवर्ड क्लास, जैसे बताए हम, किसी भी बैकवर्ड क्लास को एक लॉ बनाने में स्टेट, मतलब राज्य या फिर सरकार, अगर उसको लगे कि वो अपना सर्विस में, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में अच्छे से उसका रिप्रेजेंटेशन नहीं हुआ है, वो अच्छे से वहाँ पर उसका जो आपका रिप्रेजेंटेशन होता है वो अच्छे से नहीं हो पाया, वहाँ पर उसका तबका अच्छे से वहाँ पर दाखिल नहीं हो पाया है, इस हिसाब में राज्य सरकार या केंद्र सरकार कानून बना सकती है जिससे कि उसको
आसानी हो वहाँ पे रिक्वायरमेंट वहाँ पर पहुँचने में, ठीक है। इस आर्टिकल के अनुसार ये भी कहा जा सकता है कि कोई भी गवर्नमेंट मतलब सरकार, राज्य सरकार या फिर केंद्र सरकार अगर चाहे तो किसी भी रिलीजियस और डिनोमिनेशनल इंस्टीट्यूशन को, मतलब कि कोई भी जो धर्म का अगर कोई संस्थान है उसमें किसी खास तबके के धर्म के लोगों को ही शामिल किया जा सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लेते हैं कि कोई ऐसा एक मंदिर है, ठीक है। अब मंदिर जो है वो सरकार के नियंत्रण में है, ठीक है। अब सरकार चाहती है कि इसमें सिर्फ हिंदू धर्म का आदमी ही आए, ठीक है। तो ऐसे में हिंदू धर्म का ही आदमी आए ये सुनिश्चित करना सरकार का काम है। लेकिन यहाँ पर तो इस आर्टिकल में बोला गया था कि पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में हर कोई इक्वालिटी मिलना चाहिए और वो धर्म के अनुसार नहीं किया जा सकता है अलग भेद। लेकिन इस आर्टिकल में ये भी लिखा हुआ है कि इस आर्टिकल के अनुसार ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे सरकार कर सकती है कि किसी खास धर्म के चीज़ों पर किसी खास धर्म के लोगों का ही हुकूम होना चाहिए, ठीक है, उसका हक होना चाहिए या फिर उसके लोगों उसी धर्म के लोगों को वहाँ पर अपॉइंट किया जा सकता है। मान लेते हैं अगर मुस्लिम का मॉस्क है, मुस्लिम का अगर आपका मस्जिद है तो मुस्लिम के उलेमा लोग मुस्लिम ही होते हैं, तो गवर्नमेंट ये सुनिश्चित करता है एक तरह से कि वो मुस्लिम ही हो ताकि जो सोसाइटी है, जो अपना समाज है उसमें दिक्कत ना पैदा हो, उसमें फ्रिक्शन ना पैदा हो, ठीक है। इसी तरह अगर कोई हिंदू का मंदिर है तो उसमें हिंदू लोग ही अपॉइंट हो ऐसा चाहता है गवर्नमेंट, तो ये कर सकता है, ठीक है। इसमें आप ये नहीं बोल सकते हो कि देखो धर्म के नाम पर भेद कर सकता है, ऐसा नहीं, ठीक है। तो ये आर्टिकल में इतना ही था और आप लोग मेरे हिसाब से जान गए होंगे कि रिज़र्वेशन देना उतना गलत चीज़ नहीं है, ये एक तरह का कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है गवर्नमेंट को, राज्य सरकार को और केंद्र सरकार को, तो रिज़र्वेशन उतना गलत है नहीं। अब गलत है या नहीं गलत है वो तो अलग चीज़ का बहस का मुद्दा है, तो उस पर आप लोग बहस करो और कमेंट में बताओ कि रिज़र्वेशन देना सही है या गलत है, कितना रिज़र्वेशन देना सही है और कितना रिज़र्वेशन देना गलत है, ठीक है। और अगर ये वीडियो यहाँ तक देख चुके हो और आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, और बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू वेरी मच।